एक बड़े प्याज काट के ले लेंगे, और ये लहसुन, काजू, मिर्ची तीनों चारों साथ में लेके भून लेंगे। पाँच मिनट तक भूनेंगे उसको। उसके बाद दो चम्मच जीरे ऐड करके वो भी साथ में ही भून लेंगे। प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको ग्राइंड करेंगे। उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना के अलग रख लेंगे। दो चम्मच तेल लेंगे, पहले मशरूम फ्राई करेंगे। मशरूम फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम प्लेट में उसको निकालेंगे। हल्का फ्राई हो जाने के बाद हम इसको प्लेट में निकालेंगे। दो चम्मच तेल लेंगे, उसमें तेजपत्ता, एक प्याज का तड़का देंगे। पाँच मिनट उसको फ्राई करेंगे। प्याज कुछ इस तरह ब्राउन हो जाए, उसमें हम ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। उसको 10 मिनट तक भूनेंगे। लो फ्लेम पे मसाले को 10 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद से उसमें दो चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची के बाद स्वाद अनुसार अपना नमक डालेंगे। सबको मिला लेंगे। अब मिला के ढक के 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। मसाला जब इस तरह से भून जाए, उसमें एक चम्मच बटर ऐड करेंगे।
मसाला जब अच्छी तरह से भून जाए तो उसमें हम फ्राई किया हुआ मशरूम, शिमला मिर्च और प्याज ऐड करके सब साथ में उसको 2-3 मिनट तक भूनेंगे। दो तीन मिनट भूनने के बाद से इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आपको पतला चाहिए तो 1 गिलास पानी डाल सकते हैं, आपको थोड़ा ग्रेवी गाढ़ा चाहिए तो 1/2 गिलास पानी डाल सकते हो। पानी डालने के बाद हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लें। दस मिनट पकाने के बाद गर्मा गर्म परोसे। तैयार है आपकी मशरूम की सब्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।